नमस्कार प्यारे बच्चों, सभी लोग जल्दी से जुड़िए, फिर आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, गुड आफ्टरनून भाई। बिल्कुल सभी लोग लिंक को लाइक शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए, फिर आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, देवांश, हर्षित, जय श्री राम। किंग, राम राम। ठीक है भाई, एचपी पाटीदार, जय श्री राम। सभी लोग जुड़िए जल्दी से, फिर आज की कहानी को आगे बढ़ाते बेटा। ओके सौरभ, जय श्री महाकाल। ठीक है भाई, जर्मन, हर्ष, गुड इवनिंग। ठीक है भाई, देवेश। चलिए सभी लोग सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते बेटा, आज की कहानी को शुरुआत करते हैं। ठीक है भाई, संदीप, अक्षत, हर्ष, न्यूट्रिशन से ऑब्जेक्टिव लास्ट ईयर तो था, इस साल भी पूछा जा सकता है। ठीक है, पादप पोषण से ऑब्जेक्टिव तो लास्ट ईयर था, जो ऑब्जेक्टिव था लास्ट ईयर वो फर्टिलाइजर वाले चैप्टर से था, उर्वरक वाले से। ठीक है, दो और तीन ने इसका बांट रखा था। अब इस साल तो ऑब्जेक्टिव कहीं से भी आ सकते हैं, तो ऑब्जेक्टिव की तो बहुत अच्छी तैयारी करना है अपने को। ठीक, तो ऑब्जेक्टिव के लिए तो बहुत सारी चीज़ें अपने को पढ़ना पड़ेगी। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपके पास जो भी बुक है उसके पीछे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, उसको लर्न करते रहे। अब इस बार क्या पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है, कौन सी यूनिट से क्या क्वेश्चन आएंगे ऐसा कह पाना थोड़ा संभव नहीं है अभी फिलहाल, पर आप लोग पढ़ते रहेंगे तो धीरे धीरे आपको भी अनुभव हो जाएगा। पिछले पेपर लगाओगे 4 साल के तो काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है भाई, हर्ष, ओके, हिमांशु। चलिए सभी लोग सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं, जितने साथी क्लास में हैं, सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिए बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लिंक पहुँचा दीजिए, फिर आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है भाई, गुलशन, जय जवान, जय किसान। चलिए तो आगे बढ़े क्या बेटा, सभी लोग कमेंट कर दीजिए एक बार कहाँ से स्टार्ट करें, तो फिर आगे बढ़ते हैं, आज के सेशन को आगे बढ़ाते बेटा। ओके हिमांशु, ठीक है भाई, सुमित, एचपी, हिमांशु, ठीक है भाई, स्टेटस किंग। अब अच्छे से प्रयास करो बेटा अगली बार के लिए। ठीक है, पीजी फार्मिंग, ओके। चलिए तो सभी लोग सेशन को लाइक शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लिंक शेयर कर दें बेटा, ताकि सबको लाभ मिल सके। आज हम जिस चैप्टर की बात करेंगे, उर्वरक, इसका जो वेटेज है बेटा 4 मार्क का है। लास्ट ईयर इससे, लास्ट ईयर मतलब 23 में दो दो नंबर के क्वेश्चन आए थे, उससे पहले 3 नंबर का एक क्वेश्चन और एक ऑब्जेक्टिव आया था, तो काफ़ी उठापटक की गई इस चैप्टर में उर्वरक वाले में। ठीक, जो कि मैं आपको डिटेली पहले इसका ब्लूप्रिंट बता चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा फर्स्ट वाला तो ज़रूर देखें, उसमें पहले दिन ही सारी मैंने रूपरेखा आपको कितने नंबर से कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आने वाले हैं उसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। ठीक है भाई, शुभम पाटीदार, जय श्री महाकाल। चलिए हम बात करेंगे, चैप्टर नंबर 4 हो रहा हमारा, उर्वरक फर्टिलाइजर। देखो बेटा, देखते देखते 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए, 4-5 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे इस वीक में अपने, तो आप लोग उसी गति से उनको रिवाइज करते चले, तभी जाकर आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आ सकता बेटा, व्हाट इज़ फर्टिलाइज़र, उर्वरक की परिभाषा लिखिए, उर्वरक की परिभाषा
परिभाषा लिखिए, व्हाट इज फर्टिलाइजर। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि उर्वरक की परिभाषा लिखिए। तो सब्सटेंस अप्लाइड इन द सॉइल टू सप्लाई असेंशियल एलिमेंट फॉर द प्लांट ग्रोथ एंड न्यूट्रिएंट्स एंड मेड आर्टिफिशियली इन फैक्ट्रीज आर कॉल्ड फर्टिलाइजर। ऑल फर्टिलाइजर्स आर इन ऑर्गेनिक एक्सेप्ट ऑफ यूरिया। तो उर्वरक कारखानों में तैयार किया गया एक अकार्बनिक पदार्थ है जिसमें खाद की अपेक्षा, ठीक है, जिसमें खाद की अपेक्षा अधिक मात्रा में पौधों को पोषक तत्व तो प्राप्त होते हैं। ठीक है भैया, तो बिल्कुल सही बात है भैया, यूरिया और गोबर के खाद की तुलना करेंगे तो यूरिया से ज़्यादा पोषक तत्व तो प्राप्त होंगे, लेकिन लॉन्ग टाइम जो इफेक्ट होता है यूरिया का मिट्टी पे वो खराब होता है। ठीक है, मतलब अच्छा इफेक्ट नहीं है। तो ये तो हो गई डेफिनेशन ऑफ फर्टिलाइजर। व्हाट इज़ फर्टिलाइजर? तो वे कार्बनिक पदार्थ जिनसे मिट्टी में खादों की तुलना में ज़्यादा पोषक तत्वों की पूर्ति होती है उसको हम उर्वरक या फर्टिलाइजर कहते हैं। सर पूरे चैप्टर बेटा देवेश सब तो करवा रहे पूरे चैप्टर का ही। ठीक है चलिए, तो ये बात हो गई फर्टिलाइजर की डेफिनेशन की। फिर आते बेटा व्हाट इज टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर, उर्वरकों के प्रकार। ठीक है, स्ट्रेट फर्टिलाइजर जिसको हम बोलते हैं सरल उर्वरक, सरल उर्वरक या एकल उर्वरक। स्ट्रेट फर्टिलाइजर, सरल उर्वरक या एकल उर्वरक। फर्टिलाइजर विच सप्लाई ओनली वन प्राइमरी न्यूट्रेंट। चलिए कमेंट में बताइए कितने प्राइमरी न्यूट्रेंट है, फिर इस परिभाषा पर चर्चा करेंगे बेटा अपन। पहले प्रश्न का जवाब दीजिए, कितने प्राइमरी न्यूट्रेंट है? ठीक है, तीन है, बहुत बढ़िया हर्ष, वेरी गुड। एन पी के, तो तीन प्राइमरी न्यूट्रिएंट में से अगर कोई एक ही मिले किसी पोषक खाद के द्वारा या किसी उर्वरक के द्वारा, तो किसी उर्वरक के द्वारा, किसी रासायनिक उर्वरक के द्वारा केवल एक ही मुख्य प्राइमरी पोषक तत्व तो मिलता है तो उन्हें हम स्ट्रेट सरल या एकल उर्वरक कहते हैं। ठीक है बेटा, ऐसे उर्वरक जिनके द्वारा केवल पौधों को एक मुख्य पोषक तत्व तो प्राप्त हो, एक मुख्य पोषक तत्व तो प्राप्त हो, केवल एक मुख्य पोषक तत्व प्राप्त हो, एक मुख्य पोषक तत्व प्राप्त हो, उन्हें हम एकल या सरल उर्वरक कहते हैं। उन्हें हम एकल या सरल उर्वरक कहते हैं। जैसे भैया उदाहरण के लिए बात करें तो इसका उदाहरण होता है बेटा, उदाहरण की बात करें तो यूरिया, इसके उदाहरण की बात की जाए तो कौन है? यूरिया। ठीक है चलिए, तो यूरिया कैसा होता है? हाँ बेटा, डेली क्लास चल रही है, अभी तक हम तीन चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन में कवर कर चुके हैं, पीसीएमबी की क्लासेस भी चल रही है, इंग्लिश की भी चल रही है। सभी बच्चे, पहली बात तो जितने लोग जुड़े हैं एमजीसीआई के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए बेटा और भी दूसरी जानकारी अब तक पहुँचती रहेगी। ठीक है चलिए, तो यूरिया के ऊपर तीन चार ऑब्जेक्टिव भी बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, तो ऐसे उर्वरक जिनके द्वारा प्लांट को केवल कितना न्यूट्रिएंट मिले, एक मुख्य पोषक तत्व तो एक मिले, उनको हम स्ट्रेट फर्टिलाइजर सरल या एकल उर्वरक कहते हैं। चलिए यूरिया का फार्मूला बताइए सभी लोग कमेंट में, केमिकल फार्मूला ऑफ यूरिया क्या है बेटा, यूरिया का रासायनिक सूत्र। आर्यन एनिमल की भी लगेगी बेटा, एक एक चीज खाओ, अभी फसल खिला रहे फसल खा लो बेटा, फिर पशुपालन भी खिलाएंगे, धीरे धीरे खाओ उल्टियाँ हो जाएगी। NH2CO NH2, चलो बहुत बढ़िया, NH2 डबल बॉन्ड CO NH2, ठीक है, NH2CO NH2, चलिए बहुत बढ़िया बेटा, यूरिया का फार्मूला आप सभी ने बहुत सही बता दिया।
यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है वो किस रूप में होता है? यूरिया में जो नाइट्रोजन पाया जाता है, यूरिया में नाइट्रोजन होता है वो किस रूप में होता है? तो यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है वो अमाइड के रूप में होता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने लिख दिया होगा कि यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में है। तो यूरिया में नाइट्रोजन है अमाइड के रूप में। ठीक है बेटा, यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है वो किस रूप में पाया जाता है? अमाइड के रूप में पाया जाता है। यूरिया को किंग ऑफ फर्टिलाइजर कहा जाता है, उर्वरक का राजा कहा जाता है, किंग ऑफ फर्टिलाइजर है, किंग ऑफ फर्टिलाइजर, उर्वरकों का राजा यूरिया को कहा जाता है। याद रखना ये बात भी। एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने आपको बता दिए, बाकी एक पॉइंट तो आप सभी को पता ही होगा। चलो बताओ भैया, यूरिया से मुख्यतः कौन सा पोषक तत्व की पूर्ति होगी? तो नाइट्रोजन की होगी, बिल्कुल सही है। तो यूरिया में जो नाइट्रोजन है वो कितना परसेंट होता है? यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंट कितना होता है? सभी बच्चे कमेंट में लिखेंगे, व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ यूरिया, व्हाट आर द परसेंट ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। वेरी गुड पीजी फार्मिंग, हर्ष, ठीक है, वेरी गुड अर्जुन, हिमांशु, गुलशन, हर्षित, चलिए सब ने लिख दिया, वेरी गुड, दैट इज़ 46%। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं बेटा, तो वो भी क्लियर करते चल रहे अपन, जो जो इम्पोर्टेंट बन सकते हैं। ठीक, चलिए, तो सरल उर्वरक की परिभाषा क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर की बात करेंगे। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स को हम हिंदी में लिखते बेटा जटिल उर्वरक, जटिल उर्वरक। कॉम्प्लेक्स मतलब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जटिल उर्वरक। जटिल उर्वरक की यदि बात की जाए तो वे सभी उर्वरक जिनसे कम दो मुख्य पोषक तत्वों की पूर्ति हो तथा जिन्हें रासायनिक रूप से तैयार किया जाए उन्हें हम जटिल उर्वरक कहते हैं। जटिल उर्वरक भी दो प्रकार के होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर कौन होते बेटा? जिनको हम केमिकली तैयार करें और उसमें से दो प्राइमरी न्यूट्रेंट मिले, ऐसे उर्वरक जिनमें दो या दो से अधिक पोषक तत्व, तो बिल्कुल सही है बेटा। तो जटिल की बात करें, कॉम्प्लेक्स का मतलब ही जटिल होता है, तो ऐसा उर्वरक जिसमें दो मुख्य पोषक तत्व तो मिल जाए एक उर्वरक से। मतलब जैसे आप लोग आइसक्रीम खाने जाते हो, भैया दो फ्लेवर वाली आइसक्रीम देना, एक आइसक्रीम में फ्लेवर दो। जैसे आपके सामने से कोई कलरफुल ऑब्जेक्ट गुजर जाए और आपको एहसास हो जाए कि इससे दो चीज़ों का लाभ हो गया भैया, तो ऐसे यहाँ भी, ठीक है, समझ गए। तो एक ऐसा उर्वरक जो रासायनिक रूप से तो एक दिख रहा है लेकिन जब हम खेत में डालेंगे तो दो मुख्य पोषक तत्वों की पूर्ति कर दे, ऐसे उर्वरक को हम बोलते हैं जटिल या कॉम्प्लेक्स उर्वरक। ठीक है बेटा, तो अ कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर कंटेनिंग एटलीस्ट टू आर मोर ऑफ प्राइमरी असेंशियल प्लांट न्यूट्रेंट लाइक एनपीके। इस एनपीके में से कोई दो होना चाहिए, चाहे तो नाइट्रोजन हो उसके साथ फास्फोरस हो, चाहे तो फास्फोरस और पोटास हो, चाहे नाइट्रोजन पोटास हो, इस तरह से कोई भी दो मुख्य पोषक तत्व होना चाहिए। अब जटिल को भी दो भागों में बांटा है, द्वितत्वधारी मतलब बाइनरी फर्टिलाइजर, वे फर्टिलाइजर जिनसे दो मुख्य पोषक तत्व की पूर्ति होगी। तो बाइनरी का मतलब क्या है? दो ही होता है, ये कितना इसमें न्यूट्रेंट कंटेंट रहेगा, इसमें से जो प्राइमरी न्यूट्रेंट है, इनसे प्राइमरी जो न्यूट्रेंट होते हैं, और प्राइमरी न्यूट्रेंट असेंशियल न्यूट्रेंट, ठीक है, तो प्राइमरी न्यूट्रेंट की कितनी मात्रा मिलने वाली है? टू, उनको हम बोलते हैं बाइनरी। तो बाइनरी तो होता है टू, बाइनरी होता है लाइक डीएपी। चलो बताओ डीएपी में नाइट्रोजन और फास्फोरस कितना कितना होता बेटा? हाँ बिल्कुल सही लिखा, डाई अमोनियम फास्फेट। चलिए बताइए डीएपी में नाइट्रोजन और फास्फोरस का परसेंटेज, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाएगा। हाँ ठीक है बेटा, अच्छा प्रयास किया है हिमांशु, हर्ष, लेकिन ये 12th की बुक का डाटा है, हाँ 2053 भी होता है, लेकिन हाँ ये सही आया, हर्ष ने लिखा, स्टेटस किंग ने भी लिख दिया, चलिए बहुत बढ़िया। तो 18 और 46 डीएपी की बात करें, डाई अमोनियम फास्फेट की, तो इस डीएपी में
नाइट्रोजन होता है 46% और फास्फोरस होता है, सॉरी नाइट्रोजन इसमें होगा 18%, नाइट्रोजन का परसेंट है 18 और फास्फोरस का है 46 है। पोटास 0 होता है। तीन तत्वधारी टर्सरी या टर्नरी जिसको हम बोल देंगे, तीनों मुख्य पोषक तत्व की प्राप्ति हो जाए, दैट इज अमोनियम पोटेशियम फास्फेट। तो अमोनिया से नाइट्रोजन, पोटेशियम से पोटास और फास्फेट से फास्फोरस। 12, 32, 16 एनपीके का जो ग्रेड होता है, ठीक। तो अमोनियम पोटेशियम फास्फेट से भी और 12, 32, 16 का जो रेशियो उससे भी तीन तत्वों की मुख्य रूप से प्राप्ति हो रही है। और अभी ये बहुत चलते हैं 12, 32, 16, 19, 19, ये मार्केट में अपने खेत में हम देखते हैं कि 12, 32, 16, 19, 19 इनकी काफ़ी क्वांटिटी हमें देखने को मिलती है। 12, 32, 19, 19 क्या करते हैं, हम इनको पानी में घोल देते हैं और घोल कर उनकी, हाँ ठीक है, घोल कर उनको हम पौधे के जड़ क्षेत्र में पहुंचा देते हैं। ये लिक्विड में भी रहते हैं 12, 32, 16, 19, 19। अब 19, 19 में दो ही चीज़ है, 12, 32, 16 में तीनों है, ठीक है। चलिए तो अब मेरे क्वेश्चन का आंसर देंगे बेटा, यदि हम इरिगेशन के साथ फर्टिलाइजर देते हैं तो इस टर्मोलॉजी को आप किस नाम से जानते हो? ठीक है बेटा, अच्छी बात है, सोना किसने पहना, ठीक है भाई, अच्छी बात है। स्टेटस की टॉप ड्रेसिंग, हर्ष धाकड़ गलत जवाब है। चलो अच्छा प्रयास किया बेटा, लेकिन आपका आंसर गलत है। जितने बच्चे सेशन में जुड़े हैं लाइक शेयर जरूर करें बेटा, बिना लाइक शेयर के ना जाए, क्योंकि एमजी से आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है तो बेटा आप इतना काम तो कर ही सकते हैं। कपिल नाम दो, ये क्या लिख रहे भाई, मैं बोल रहा हूँ कि सिंचाई जल के साथ उर्वरक देना क्या कहलाएगा। ठीक है भाई प्रियांशी, बताइए सभी लोग, सिंचाई जल के साथ उर्वरक देना क्या कहलाएगा? अभी तक एक बच्चे का जवाब नहीं आया। ध्यान देना बेटा, जब भी हम इरिगेशन कर रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं, और उस इरिगेशन के साथ यदि फर्टिलाइजर दे रहे हैं तो उसको हम फर्टिगेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? फर्टी गेशन, सिंचाई जल के साथ उर्वरक देना क्या कहलाता है? तो फर्टिगेशन कहलाता है, ठीक है। ध्यान रहे बेटा, ये लाइन याद रखना, सिंचाई जल के साथ उर्वरक देना फर्टिगेशन कहलाता है। ऐसे ही सिंचाई जल के साथ हर्बिसाइड डालना हर्बिगेशन कहलाता है। ये टर्म पूछी जा सकती है। तो हमने सरल उर्वरक और जटिल उर्वरक की बात करी। अब है बेटा मिक्सड उर्वरक, जिसको हम बोलते हैं मिश्रित उर्वरक। कौन सी उर्वरक है? मिश्रित उर्वरक। ये मिश्रित उर्वरक वैसे ही है जैसे सेव और परमल है। सेव परमल तो सबने देख रखे हैं, खाए भी हैं, ठीक है। तो सेव और परमल तो ऑलरेडी पहले से मिले हुए हैं, उनको लाकर मिला दो, मतलब मिले हुए इन द सेंस कि बने हुए, पहले से बने हुए उनको मिला लो और खा लो। ऐसे ही यूरिया लिया, डीएपी लिया, मिला दिया, खेत में डाल दिया, यही करते किसान। लेकिन अब इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि मिट्टी में कितना नाइट्रोजन देना है, कितना फास्फोरस देना है। मिट्टी को फास्फोरस की जरूरत है, नाइट्रोजन की जरूरत कितनी है, इसके हिसाब से हमें ऐड करना चाहिए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि फर्टिलाइजर तो पहले से रेडी है, बस खेत में गए, बोरी को खोला, दोनों को मिलाया और डाल दिया। ये होते हैं मिश्रित उर्वरक। तो यही लिखा है यहाँ पर, इंडिविजुअली आर स्ट्रेट फर्टिलाइजर मटेरियल्स आर मिक्सड विथ टुगेदर फिजिकली टू परमिट अप्लीकेशन इन द फील्ड इज वन ऑपरेशन। इन उर्वरकों को भौतिक रूप से मिलाकर तैयार किया जाता है और खेत में इनका उपयोग होता है। अब इनको भी दो भागों में बांटा मिश्रित को बेटा, इनकम्प्लीट मिक्स फर्टिलाइजर और कंप्लीट मिक्स फर्टिलाइजर। अब इनकम्प्लीट क्यों बोला? क्योंकि इनसे केवल मुख्यतः दो पोषक तत्व तो प्राप्त होते हैं, मुख्यतः दो मुख्य प्राइमरी पोषक तत्व तो प्राप्त होंगे। तो मुख्यतः दो प्राथमिक पोषक तत्व की पूर्ति होती है, प्राथमिक पोषक तत्व की पूर्ति होती है। तो मुख्यतः दो प्राथमिक पोषक तत्व की पूर्ति होती है, उनको हम बोलते बेटा इनकम्प्लीट मिक्स्ड फर्टिलाइजर। जैसे यूरिया लिया और पोटास, तो यूरिया से क्या मिलेगा बेटा, आप सभी को पता है, यूरिया से नाइट्रोजन मिलेगा और पोटास से तो के मिल जाएगा। तो दो मुख्य पोषक तत्व आ गए, फिर एक कंप्लीट मिक्स्ड फर्टिलाइजर, ठीक है। कंप्लीट के लिए लिखते हैं हम पूर्ण मिश्रित उर्वरक। इनसे तीनों
मुख्यतः तीनों मिश्रित उर्वरक प्राप्त हो जाएंगे, तीनों प्राथमिक पोषक तत्व की पूर्ति होगी। मुख्यतः तीनों प्राथमिक पोषक तत्व की पूर्ति होगी। मुख्यतः तीनों प्राथमिक पोषक तत्व की पूर्ति होगी। जैसे अमोनियम फास्फेट से क्या मिल जाएगा? नाइट्रोजन, फास्फेट से फास्फोरस और पोटास। तो यहाँ पर तीनों मेनली न्यूट्रेंट आपको मिल जाएंगे। तो कंप्लीट मिक्स्ड, इनकम्प्लीट और कंप्लीट से पहले हमने इधर बात करी बेटा, अभी आप देखेंगे तो कॉम्प्लेक्स तो याद रखना है, ठीक है? ठीक है भाई मयूर, आपकी ये मनोकामना भी पूर्ण कर देंगे, ठीक है? स्क्रीनशॉट के लिए भी ठीक है, मौका दे देंगे। चलो तो अभी यहाँ तक तो ठीक है, इसके आगे अब मैं ध्यान रखूँगा। जब स्लाइड कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपके लिए ये सुविधा दे दूंगा। चलो, बेसल डोस आधारी खाद, बेसल डोस या आधारी खाद, ठीक है बेटा? क्या होता है? अप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर एट द टाइम ऑफ सोइंग, मतलब बुआई से पहले या बुआई के साथ। तो बुआई से पहले भी कर सकते हो और बुआई के साथ भी। तो बुआई से पहले या बुआई के साथ उर्वरकों का उपयोग, बुआई से पहले या बुआई के साथ उर्वरकों का उपयोग, बुआई से पहले या बुआई के साथ उर्वरकों का उपयोग क्या कहलाता है बेटा? बेसल डोस कहलाता है, ठीक है? होल डोज ऑफ फास्फेटिक और पोटासिक, मतलब आधारी खाद में हम जो फास्फोरस है वो पोटास है, ये एक साथ दे देना चाहिए बुआई के साथ। ये हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, ये बुआई के साथ देना चाहिए फास्फोरस और पोटास। क्यों? क्योंकि इमोबाइल है, गतिशील नहीं होते हैं, इसलिए इनको पहले दे देते ताकि गतिशील रूप में आ जाए और पौधे इनको ग्रहण कर सकें। तथा नाइट्रोजन को तीन भाग में देना है, वन थर्ड, फिर वन थर्ड, फिर वन थर्ड। तो नाइट्रोजन को कितने भाग में देना है? तीन भाग में, वन थर्ड, वन थर्ड, वन थर्ड। क्यों? क्योंकि ये गतिशील है बेटा। अगर आपने पूरा नाइट्रोजन एक बार में खेत में डाल दिया तो समस्या हो जाएगी। पूरा नाइट्रोजन एक बार में अगर खेत में डाल दिया तो बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी बेटा। इसलिए नाइट्रोजन को कभी भी एक साथ नहीं डाला जाता, क्योंकि उसका निक्षालन हो जाता है। फास्फोरस और पोटास की यह प्रकृति है कि ये अगतिशील रहते हैं, जबकि नाइट्रोजन मृदा में बहुत गतिशील होता है। इसलिए पूरा नाइट्रोजन कभी भी एक साथ नहीं डालना है, जबकि फास्फोरस और पोटास एक साथ डालना है। अप्लीकेशन फर्टिलाइजर इन स्टैंडिंग क्रॉप इज मोस्टली नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। आधारी खाद में मुख्यतः कौन से उर्वरकों का उपयोग होता है? नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का, ठीक है? आधारी खाद में, सॉरी, आधारी खाद की बात हो रही। हाँ, तो खड़ी फसल में यदि हमें कोई भी फर्टिलाइजर डालना है तो कौन से फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं? तो नाइट्रोजन युक्त का उपयोग करते हैं। अप्लीकेशन ऑफ लिक्विड फार्म फर्टिलाइजर ऑन फोलियज ऑफ प्लांट इन द स्प्रे सॉल्यूशन इज 3% बियॉन्ड विच इज द लूज गेट स्क्रॉचेड। मतलब अगर हमने 3% से ज़्यादा का घोल बना लिया उर्वरक का और उसको खड़ी फसल में डाल दिया तो उनमें इंजुरी आ जाएगी, क्षय हो जाएगा, ठीक है? तो आधारी खाद की परिभाषा एक ही लाइन आपको याद रखना बेटा, कि बुआई के साथ या बुआई से पहले मिट्टी में उर्वरक देने को हम आधारी खाद या बेसल डोज कहते हैं, ठीक? चलिए, स्क्रीनशॉट लेने का बोल रहे थे बेटा, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये आधारी खाद का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट हो गया बेटा आपका। अब नेक्स्ट है, चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है मयूर, वेलकम बेटा। अब प्रश्न ध्यान से पढ़े, काफी आसान प्रश्न है। नाइट्रोजन युक्त किन्हीं दो उर्वरकों के नाम और परसेंट लिखना। अब यहाँ चार लिखे क्योंकि हो सकता है चार नंबर में आ जाए बेटा, दो में आए तो दो ही पर्याप्त है। एक तो याद ही करवा दिया मैंने आपको यूरिया, ठीक है? अभी याद हो जाएंगे। पहला है अमोनियम सल्फेट, इसमें होता है 20.5%, यूरिया में 46% नाइट्रोजन है।
सोडियम नाइट्रेट में 16, सोडियम 16 इसे याद रखना बेटा, और अमोनियम क्लोराइड में 25.5। चलिए तो ये तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप इसको याद करते बेटा, अभी याद करके जाएंगे इस प्रश्नों को यहीं पे। सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग इसका। ठीक है भाई संदीप, जय श्री राम। चलिए हो गया होगा स्क्रीनशॉट। आइए अब आगे इस क्वेश्चन को यहीं याद करेंगे फटाक से। हमें नाइट्रोजन की मात्रा को याद करना बेटा इन उर्वरक के अंदर। ठीक है चलिए बताइए, यहाँ पर मैं उर्वरक बोलूँगा, आप लोग फटाफट उसकी मात्रा लिखेंगे। यूरिया, सोडियम नाइट्रेट, यूरिया, सोडियम नाइट्रेट, फिर इधर हम लिख देंगे बेटा अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। चलिए उसके बाद है बेटा अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। कितने उर्वरक हो गए नाइट्रोजन वाले? 4। ठीक है वेरी गुड, सभी लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। चलो तो यूरिया में भैया नाइट्रोजन अब तो सबको पता हो गई है, यूरिया में नाइट्रोजन कितना हो रहा है 46%, ये लिख दिया बहुत बढ़िया। सोडियम नाइट्रेट में अपन ने बात करी थी 100 से 16, ये लिख दिया। अमोनियम क्लोराइड में 25.5, ये लिख दिया। और इधर बात हुई थी बेटा अमोनियम सल्फेट में 20.5। ठीक है तो 20, 25, 16, 46। ठीक है बेटा 20, 25, 16, 46 याद रहेगा, 20, 25, 16, 46। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, 20, 25, 16, 46। यूरिया, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट। चलो याद रहेगा, उम्मीद करता हूँ सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए तो इसको इरेज कर देते बेटा आप, अपन इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं फिलहाल अपने को। ये अपना जो प्रश्न था वापस से आपके स्क्रीन पर आ रहा है। ठीक है बेटा ये चलो ये हो गया काम अपना, तो नाइट्रोजन याद हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, देख के बता पाएंगे सभी लोग किसका फार्मूला है और ये डायग्राम में किसकी बात हो रही है। तो निश्चित तौर पर आप सभी ने पहचान लिया होगा, किंग ऑफ फर्टिलाइजर है यूरिया, उर्वरकों का राजा है यह, उर्वरकों का राजा हो रहा है बेटा। NH2, CO डबल बॉन्ड, NH2, CO, NH2। ठीक है चलिए तो ये फार्मूला हो गया बेटा किसका? यूरिया का। क्लियर बात, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं, NH2 डबल बॉन्ड, CO, NH2 डबल बॉन्ड। मतलब ऑक्सीजन की संयोजकता की बात की है, कार्बन की संयोजकता की बात की है, तो कार्बन की 4 संयोजकता है, तो आप देख पा रहे हैं इस तरह से इसको यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है चलिए यूरिया है, ओके वेरी गुड। तो यूरिया में आप देखते कभी कभी इस तरह से ढेले बन जाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं बाई यूरेट। क्या बोलेंगे? बाई यूरेट। कौन सा रेट बोलते भाई? बाई यूरेट। यूरिया में दानों के छोटे छोटे से ढेले बन जाते हैं जिसको हम बोलते हैं बायोरेट, और बायोरेट की सीमा 2.5% या 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 से 2.5% से बायोरेट की सीमा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द एनी टू फर्टिलाइजर कंटेनिंग ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस वाले अपने को निकालना है, यह सबसे सरल है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो तुम नारियल फोड़ देना बेटा, क्यों? क्योंकि इससे सरल प्रश्न ही बना ही नहीं आज तक, कुछ भी याद नहीं करना है, सिंगल डबल ट्रिपल और डाई लगा देंगे, सिंगल डबल ट्रिपल और डाई लगा दो, मतलब सिंगल सुपर फास्फेट, डबल सुपर फास्फेट, ट्रिपल सुपर फास्फेट और डाई अमोनियम फास्फेट, बोले तो DAP। ये सरल प्रश्न है, इसमें तो कोई गलती होगी नहीं, सिंगल डबल ट्रिपल और डाई मारना बेटा। सिंगल में 16, 16 की उम्र में क्या है? सिंगल है,
फिर डबल हो गए 32 में बेटा, 48 की उम्र में ट्रिपल हो गए, ठीक है। 16 तक तो सिंगल ही रहोगे ना, शादी कहाँ होगी, 32 में क्या हो गए डबल, और 48 में ट्रिपल हो गए, 3 लोग हो गए, बहुत बढ़िया, ठीक है। और डाई लगाएंगे कब, जो 18 साल की युवा है, और भारत की टीम में विराट कोहली चाहे जब डाई लगा देता है, ठीक है, 18 नंबर है उसका जर्सी का, ठीक है। तो DAP डाई अमोनियम फास्फेट में 18% नाइट्रोजन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर फास्फोरस की बात हो रही है इसलिए इसको सुधार लेना बेटा, ये DAP में क्या है, 18% नाइट्रोजन, लेकिन हम बात करें किसकी, फास्फोरस की, तो फास्फोरस होगा 46, ये बात यहाँ पर सुधार लेना, ठीक। तो DAP में 18% नाइट्रोजन होता है, 46% की किसकी बात होगी, फास्फोरस की, तो 48 46 16 32, 48 46, यहाँ पर 18 की जगह 46 लिख देना बेटा, ठीक है, गलती ना हो जाए, ध्यान रखना। DAP में नाइट्रोजन 18 होता है, फास्फोरस तो 46 रहेगा, ठीक। तो 16 32 48 और 46, तो ये तो बहुत आसान है। हाँ भाई ठीक है, चल तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते बेटा। लाइक शेयर भी करो बेटा, हंसी मजाक तो कर रहे हो आप लोग, मज़ा तो आ रहा है तुम्हें, मुझे पूरा विश्वास है MG Sai के यूट्यूब चैनल पे मज़ा क्यों नहीं आएगा बेटा, बिल्कुल आएगा, पर सेशन को लाइक शेयर भी करो, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ इसका स्क्रीनशॉट सबने ले लिया है, आगे बढ़ते हैं बेटा। ये आपके हाथों में यहाँ पर डायग्राम दिख रहा है, क्या है बेटा ये, तो ये DAP डाई अमोनियम फास्फेट। अच्छा DAP कैसा उर्वरक है, सरल है कि मिश्रित है कि जटिल है, ऑप्शन में है बेटा कि सरल है, मिश्रित है या जटिल उर्वरक है, बताओ जल्दी से। अभी अपन ने पढ़ा था ये यूरिया कैसा फर्टिलाइजर हो रहा है, ठीक है, बताओ जल्दी से। हाँ DAP है, बहुत बढ़िया, सरल है, मिश्रित है कि जटिल है, मोनो अमोनियम फास्फेट भी हो सकता है, चलो ये तो DAP है बेटा, इसमें कोई डाउट नहीं है, चलो मिश्रित है। ये मिश्रित वाले भाई बोल रहे हैं कि ये मिक्स्ड फर्टिलाइजर है, चलो मयूर बोल रहा है मिश्रित है, जीवन लोधी भी मिश्रित बोल रहा है, मिश्रित है हिमांशु, थोड़ा दिमाग लगा के बोलना है, चलो एक ने दिमाग लगाया है जटिल है, हर्ष ने दिमाग लगाया जटिल है, तो जिन्होंने दिमाग लगाया वो सही है। अरे सरल से तो एक ही पोषक तत्व तो प्राप्त होता है, और मिश्रित में तो भौतिक रूप से मिलाते हैं दो, तब मिश्रण है, स्यों परमल मिलाएंगे तब मिश्रण बनेगा ना, अभी तो ऑलरेडी ही दो तत्व लेकर बैठा है, मतलब इसके अंदर DAP में नाइट्रोजन भी है और फास्फोरस भी है, ऑलरेडी है ना 18% और 46%, ऑलरेडी इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस है, तो यह जटिल है बेटा, मिश्रित और सरल नहीं है, ठीक है भाई। तो यूरिया एक जटिल उर्वरक है, ऐसा ऑब्जेक्टिव बन सकता है बेटा, यूरिया कैसा उर्वरक है, जटिल उर्वरक है, इससे हमें नाइट्रोजन भी देखने को मिलता है और फास्फोरस भी देखने को मिलता है, यूरिया के बाद सबसे ज़्यादा DAP का उपयोग होता है, चलो DAP की एक बोरी कितने की आ रही बेटा, बताओ सभी किसान पुत्र हो, DAP की एक बोरी कितने की आ रही है, ठीक है, ओके भाई जय प्रकाश तिवारी, 1350 1400, चलो भाई अलग अलग जगह थोड़ा बहुत वेरी कर रहा है, तो 1500 1300 के बीच में आ रही है, ठीक है। तो वैसे इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस पे गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही, तो 1300 1500 में आ रही है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला है बेटा पोटाशधारी उर्वरकों के नाम, ऐसे उर्वरक जिनमें पोटाश की मात्रा पाई जाती है, तो KCl है, पोटेशियम सल्फेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है, आपकी स्क्रीन पर है 60 48 और 40, ठीक है बेटा। तो पोटाशधारी उर्वरकों के नाम परसेंट पूछा जाए तो आपको याद रखना है पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट K2SO4 और पोटेशियम नाइट्रेट, चलिए तो ये तीन उर्वरक है पोटाश वाले, 60 48 और 44, ये रहा KCl, चलो बताओ भाई KCl में पोटाश की मात्रा कितनी होती है, तो अभी अपन ने बात करी KCl में हो रही है 60% पोटाश होता है, और इस KCl को हम म्यूरेट ऑफ पोटाश भी कहते हैं, आप लोग इसको पोटेशियम क्लोराइड भी कहते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटाश बोले पोटेशियम क्लोराइड बोले दोनों एक ही बात है, ठीक है। ये नमक की तरह दिख रहा है बिल्कुल, साल की तरह, तो इसमें 60% क्या होता है, पोटाश होता है,
साथ ही पोटेशियम सल्फेट की बात करें तो उसमें 48 है और पोटेशियम नाइट्रेट में 44% तक पोटास होता है। चलिए अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। व्हाट इज बायो फर्टिलाइजर? जैव उर्वरक सूक्ष्म जीवाणु युक्त उर्वरक है जिनके उपयोग से फसल उत्पादन में वृद्धि होती है। इसमें जीवित सूक्ष्म जीव सूक्ष्म जीवाणु के विभेद होते हैं, स्ट्रेन होते हैं जो भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं, उदाहरण के लिए राइजोबियम एजोटोबैक्टर। बायो फर्टिलाइजर आर माइक्रोबियल इनोकुलेंट्स आर डिफाइंड एज प्रिपरेशन कंटेनिंग लाइव आर लेटेंट सेल्स ऑफ इफिशेंट स्ट्रेन नाइट्रोजन फिक्सिंग फास्फेट सोल्यूबिलाइजिंग आर सेलुलेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज फॉर एप्लीकेशन टू सीड सॉइल आर कंपोस्टिंग एरिया विथ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन ऑफ सच बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एक्सेलरेट सर्टेन माइक्रोबियल प्रोसेस टू ऑगमेंटेड द एक्सटेंट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रेंट्स इन अ फार्म विच कैन बी इजिली एसिमिलेटेड बाई प्लांट। तो जैव उर्वरक क्या है बेटा? कुल मिलाकर खाना बनकर तैयार है, बस खाने की दर को बढ़ाना है। जैसे आपके लिए थाली में भोजन है लेकिन आपको बोल दे भैया कि जितनी जल्दी खाना खा लोगे उतनी जल्दी मिलने का मौका मिलेगा, तो आप बड़े बड़े निवाले लोगे, जल्दी जल्दी खा के पहुँच जाओगे मार्केट में। तो यही बात है कि नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी, पोटास है, सब है, लेकिन उसकी दर को बढ़ा देंगे कौन? ये बायो फर्टिलाइजर। उस क्रिया की गति को बढ़ा देंगे कौन? ये बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, तो ये सूक्ष्म जीव होते हैं जो पौधे के लिए पोषक तत्व होते हैं, उन पोषक तत्वों को बढ़ाने का काम करते हैं। कौन काम कर रहे बेटा? बायो फर्टिलाइजर जैव उर्वरक इस काम को अंजाम दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें राइजोबियम और एजोटोबैक्टर मुख्य रूप से भूमिका निभाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किन्हीं 5 जैव उर्वरकों के नाम लिखिए अगर ये सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए। ठीक है बेटा, तो 5 जैव उर्वरकों के नाम आप लिख सकते हैं, लाइक राइजोबियम एजोटोबैक्टर एजोस्पाइरिलम नीलहरी शैवाल और एजोला। ठीक है, चलिए एजोला को आप जलीय फर्न कहते हैं, इसको आप वाटर फर्न या जलीय फर्न के नाम से जानते हैं, इसको आप नीलहरी शैवाल को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, साइनो बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक, राइजोबियम दलहनी फसलों के लिए काम में आता है, ये जनरली लेगुम फसलों के लिए काम में लाया जाता है, और एजोटोबैक्टर अनाज वाली फसलों में काम में लाया जाता है। अब एक एक के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल यहाँ दे दिया बेटा, कभी हो जाए तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि कोई 2 जैव उर्वरकों के नाम लिखिए, उनके उपयोग लिखिए, तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए तो पहला है राइजोबियम, ये आप देख पा रहे हैं, ये राइजोबियम का जो द्वारा जो रूट नोड्यूल्स होते हैं यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं, ये ग्रंथियाँ देख पा रहे हैं, नोड्यूल्स राइजोबियम के द्वारा जड़ गांठें बनाई जाती है। ठीक है, रूट नोड्यूल्स बनाई जाती है, सभी दलहनी फसलों में मिल जाएगा। अभी आपके खेत में चना लगा होगा, एक ही उखाड़ा ना, पूरा खेत में तो उखाड़ के बैठ जाना, बोले मास्टर ने बोला था जड़ देखने गए थे हम, पूरे पौधे की उखाड़ के घर आ गए, एक पौधा उखाड़ना है ना, देखना दादा होने पूरा खेत उखाड़ के बैठ जाओ, एक पौधा उखाड़ना चने का सबके गांव में मिल जाएगा। उसके पास में आपको ऐसे नोड्यूल्स दिखाई देंगे, इन नोड्यूल्स को जब आप खोलोगे तो आपको ऐसे लाइट पिंक का हल्का गुलाबी रंग का एक कल्चर देखने को मिलेगा, वह कल्चर है राइजोबियम जो वायुमंडल की आवारा नाइट्रोजन को मृदा में स्थिरीकृत करने का काम कर रहा है। ठीक है, दलहनी फसलों में इसके यूज़ से बेटा 15 से 25% प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, एक वर्ष में लगभग ये 20 से 25% नाइट्रोजन को फिक्सेस कर देता है एटमॉस्फेयर की। तो ये 2 उपयोग आप लिख सकते हैं, दलहनी फसलों में इसका उपयोग करते हैं, इसके कारण 15 से 25% तक प्रोडक्शन बढ़ता है, और 20 से 25% ये पर हेक्टेयर नाइट्रोजन को फिक्स करके देता है। अगला हो रहा है एजेटोबैक्टर, आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे होंगे, दैट इज एजेटोबैक्टर, इसका उपयोग करने से 10 से 15% प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। ठीक है, ये अल्टरनेरिया फ्यूजेरियम आदि की भी वृद्धि को रोकता है, मतलब अगर एजेटोबैक्टर है तो ये इन बैक्टीरिया को भी, सॉरी इन फंगस को भी ये क्या कर देगा? रोक देगा बेटा। किन फंगस को? अल्टरनेरिया, इससे आलू में अल्टरनेरिया सोलेनाइस एक बीमारी होती है, और फ्यूजेरियम तो कई सारी
विल्ट के लिए जिम्मेदार है, तो इनको भी ये रोक देगा। और मृदा में 25 से 30 kg नाइट्रोजन फिक्स करके देगा। कौन देगा बेटा? एजेटोबैक्टर। ठीक है, इसका फोटो खींच लो जल्दी से, राइजोबियम वाले का। चलिए देन आ जाओ बेटा, राइजोबियम के बाद एजेटोबैक्टर, इसका भी डायग्राम का फोटो खींच लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एजेटोबैक्टर के बाद एजोस्पाइरिलम की बात करें, ठीक है, तो एजोस्पाइरिलम भी अनाज वाली फसलों में इसका उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, ये थोड़ा आगे पीछे हो गया बेटा, है ना, ये जो डायग्राम है ये एजोस्पाइरिलम का है। ठीक है, ये किसका डायग्राम है? एजोस्पाइरिलम का है। ये जो डायग्राम है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये डायग्राम है एजो स्पाइरिलम। ठीक है, ये जो डायग्राम है किसका बेटा? एजो स्पाइरिलम का है। ठीक, और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एजो स्पाइरिलम की, तो बात हो गई। अब एक बचा क्या? एजेटोबैक्टर। ठीक है, ये जो हेडिंग अपनी है एजेटोबैक्टर, ये कुछ इस तरह से होगा, अगर यहाँ पर कहीं होगा तो देख लेते हैं। चलो नहीं है, जान दो। तो एजोस्पाइरिलम का उपयोग किस में होता है? अनाज वाली फसलों में होता है। कौन सी फसलों में? अनाज वाली फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए इसका उपयोग किया जाता है, एजोस्पाइरिलम का उपयोग। ठीक, चलिए नेक्स्ट है नीलहरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये धान का पानी भरा खेत है, उसमें आप देख पा रहे बेटा, ये बिल्कुल अपनी गांव की भाषा में नीलपी, जिसको तुम बोलते हो, नदी के किनारे पे आपको मिलती है। तो धान के पानी भरे खेत में पूरा एकदम नीला समुंदर दिखाई देगा, वही नीला समुंदर क्या है? नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। धान की फसल में 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मात्रा की दर से इसका उपयोग करने पर 20% की वृद्धि होती है, और धान की बाद में उगाई जाने वाली फसलों में भी 7 से 14% तक ये इंक्रीज करता है प्रोडक्शन को। मृदा में जीवाश्म पदार्थ की भी पूर्ति करता है और क्षारीय और अम्लीय मृदा के सुधार का भी काम कर रहा है। नील हरित शैवाल, ब्रूगिन एल्गी, तो ये धान की फसल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम कर रहा है, पर्यावरण को भी बचा रहा है, मृदा को भी बचा रहा है, और जीवाश्म पदार्थ की भी पूर्ति कर रहा है। ठीक है, ये बेटा एजोस्पाइरिलम की बात है और ये एजेटोबैक्टर की बात है। ठीक है, ये एजेटोबैक्टर कोई, चलो मैं क्लियर कर देता हूँ, लाल के लिए तुम्हें डायग्राम तो बनाना नहीं है, तो उसको भूल ही जाओ। ठीक है बेटा, चलिए एजोला, इसको हम वाटर फर्न कहते हैं, जलीय फर्न कहते हैं। एजोला को हम वाटर फर्न, जलीय फर्न के नाम से जानते हैं। कुछ एजोला की स्पीसीज ऐसी होती है जो पशुओं को भी खिलाने के लिए आहार में काम में ली जाती है। ठीक है, कुछ एजोला जैव उर्वरक ऐसे होती है स्पीसीज जिनको हम पशुओं को भी खिला सकते हैं। तो धान के लिए इसका उपयोग किया जाता है, मुख्य फसल के साथ एजोला के कुछ समय के लिए खेतों में उगाया जाता है, और ये पशु आहार के लिए भी काम करती है। ठीक है, एजोला ये पशुओं को भी खिलाई जा सकती है, धान के खेत में इसका उपयोग होता है। ठीक है बेटा, चलिए जैव उर्वरकों के दो लाभ लिखिए। तो जैव उर्वरक से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण अधिक होता है, केमिकल फर्टिलाइजर की बचत होती है, और फसल के गुणों में सुधार होता है। तो ये दो इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स आप एडवांटेज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के या जैव उर्वरक के आप लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, चलिए मिश्रित उर्वरकों के लाभ लिखिए। तो मिश्रित उर्वरकों के प्रयोग से समय, श्रम और धन की बचत होगी, क्योंकि हमने उनको मिश्रण कर लिया बेटा, तो एक ही साथ दो उर्वरक चले जाएंगे, तो समय और श्रम और धन की क्या हो जाएगी? बचत। एक लाइन में याद रखना, संतुलित पोषण मिलेगा। जैसे आपने मिश्रण में यूरिया लिया, इससे नाइट्रोजन मिल जाएगी, इसी के साथ आजकल डीएपी मिला देते हैं बेटा, तो डीएपी से नाइट्रोजन फॉस्फोरस मिल गया। तो इस तरह से आप समय धन की बचत के साथ संतुलित उर्वरक दे सकते हैं, साधारण उर्वरकों की तुलना में अधिक प्रभावशाली है। क्यों है? अगर यूरिया डालोगे तो एक ही तत्व जाएगा, डीएपी डालोगे तो दो तत्व जाएंगे, लेकिन कम मात्रा में जाएंगे, तो ये भी बढ़िया बात है। और भंडारण और रख रखाव में भी सुविधा होती है। मिश्रित उर्वरक की बात हो गई यहाँ पर, किन्हीं दो मिश्रित उर्वरकों के नाम लिखना अपने को, और उनमें एनपीके की मात्रा लिखना बेटा। कोई भी दो मिक्सड फर्टिलाइजर के नाम लिखना है और उनकी मात्राएं लिखना है। तो जैसे डीएपी है,
ग्रोमोर फर्स्ट है, इफ्को है, इफ्को टू है, 12-32-16 है, 28-28-0, ये दो मिक्सड फर्टिलाइजर है, मतलब इनमें ऑलरेडी नाइट्रोजन फास्फोरस है। ये देखिए नाइट्रोजन फास्फोरस, नाइट्रोजन फास्फोरस, एनपीके तीनों मिल गए हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, चलिए फिर मिश्रित उर्वरक के लिए सावधानियाँ, पक्के फर्श पर मिश्रित करना है, ऐसा नहीं कि खुली मिट्टी में कर लिया, क्योंकि इनसे ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, मतलब ये मिट्टी से क्या कर लेंगे, नमी को ग्रहण कर लेंगे और खुद ही खराब हो जाएंगे। हाथ में रबड़ के दस्ताने पहना होना चाहिए, हालांकि किसान तो उनके हाथ ही बहुत मजबूत होते हैं, वो लोग नहीं करते, पर अपने को तो सावधानी में लिखना है। फिर चूना और राख को फास्फोरस वाली खाद में नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि मिलने वाले फास्फोरस स्थिर हो जाएगा, मतलब लाइम को हमें फास्फोरस के साथ ऐड नहीं करना है। लाइम एंड एस शुड नॉट बी मिक्सड विथ फास्फोरस फर्टिलाइजर। अमोनियम सल्फेट में राख नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि इससे अमोनिया उड़ जाती है। तो ये कुछ विशेष बातें हैं जब आप मिश्रण बना रहे हैं, जैसे आप सेव परमल मिला रहे हैं तो ज़्यादा सेव ज़्यादा परमल नहीं हो जाए, मिलाते समय अगर आपने ऊपर से पानी डाल दिया तो सेव परमल का रायता फैल जाएगा। तो ऐसे यहाँ उर्वरक बनाते समय, दो मिश्रण तैयार करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है वो लिखा गया बेटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2019 में क्या क्या क्वेश्चन आया बेटा, मिश्रित और जटिल उर्वरकों के चार अंतर। ठीक है, आगे आएंगे, नहीं आएंगे तो मैं कल जरूर बता दूंगा। सोयाबीन, मूंग, क्लोर तथा धान की फसलों के लिए कल्चर का नाम और उनके बैक्टीरिया का नाम। तो सोयाबीन में राइजोबियम कल्चर यूज़ किया जाता है, मूंग में भी राइजोबियम, क्लोर में भी राइजोबियम, और धान में नीलहरित शैवाल और एजोला कल्चर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर बैक्टीरिया का नाम राइजोबियम है, कौन सा है राइजोबियम सोयाबीन में, जेपो निकम, राइजोबियम जेपोनिकम है। मूंग में भी राइजोबियम जेपोनिकम का आप यूज़ कर सकते हैं। फिर इधर राइजोबियम बेसिलस मेगाथीरियम और फ्लेवो बैक्टीरिया का उपयोग करते हैं क्लोर में। ठीक है, और नीलहरित शैवाल को हम साइनो बैक्टीरिया के नाम से भी जान रहे हैं, तो ये उनके बैक्टीरिया का नाम हो गया। ठीक है भाई, चलिए फास्फोरस युक्त उर्वरकों के नाम और पाए जाने वाले फास्फोरस की मात्रा, सिंगल सुपर फास्फेट, डबल सुपर फास्फेट, ट्रिपल सुपर फास्फेट और DAP। तो सरल प्रश्न है, 16, 32, 48 और 46। किन्हीं दो फास्फोरस युक्त अभी बात हुई, किन्हीं दो नाइट्रोजन उर्वरक ये भी अभी हमारी बात हुई बेटा। मिश्रित और यौगिक उर्वरक मतलब जटिल उर्वरक में अंतर लिखना है। ठीक है, बेसल ड्रेसिंग हम पढ़ चुके हैं, टॉप ड्रेसिंग का मतलब होता बेटा खड़ी फसलों में उर्वरकों का प्रयोग करना, पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट में पोषक तत्वों की मात्रा अपनी बात हुई थी 60%, 48%। ठीक है, अमोनियम सल्फेट और किसान खाद में आपको नाइट्रोजन की मात्रा बताना है। चलिए बताइए बेटा, अमोनियम सल्फेट में और किसान खाद में कितना परसेंट नाइट्रोजन होता है, अपन ने अभी बात करी थी यहाँ पर, बताएंगे। चलो जल्दी से बताइए, अमोनियम सल्फेट और किसान खाद में नाइट्रोजन याद किया था अपन ने, चलो किसान खाद का उत्तर तो लगभग सही है। अपन ने बात करी थी बेटा इनकी, ठीक है, 20.6 और 25.5, वेरी गुड। तो अमोनियम सल्फेट में 25.5 और किसान खाद में 20.5, ये अपन ने अभी बात करी थी यहाँ पर, यूरिया के जब बात चल रही थी जैव उर्वरक से पहले, ये यहाँ से हमारी बात हुई थी बेटा। ये रहा अमोनियम सल्फेट, ये रहा 20.5, और अमोनियम क्लोराइड, चलो अमोनियम सल्फेट में कितना हो रहा, 20.5, ये तो यहाँ से क्लियर हो गया। लेकिन किसान खाद में 25% के आसपास होता है। ठीक है, किसान खाद केन कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट की बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, चलिए तो इस तरह से प्रश्न बनते हैं। मिश्रित और जटिल उर्वरक में अंतर आप बना सकते हैं बेटा, मिश्रित उर्वरक आपस में मिक्स करके बनाए जाते हैं। ठीक है, मिक्स फर्टिलाइजर आपस में क्या करके बनाए जाते हैं, मिक्सड करके बनाए जाते हैं। जटिल उर्वरक में पहले से ही दो पोषक तत्व तो होते हैं, मिश्रण आसानी से तैयार हो जाएगा। जटिल उर्वरक में रासायनिक रूप से फैक्ट्री में पहले से मिलाकर बनाएंगे, जटिल उर्वरकों का रखरखाव आसान होता है। मिश्रण करने के बाद मिश्रित उर्वरकों को ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते, मिश्रण करने से
विस्फोट भी हो सकते हैं, इस तरह के कुछ अंतर जो बनते हैं आपको लिखना है। ठीक है बेटा, चलिए हाँ, किसान खाद को अमोनियम, जो भी आपने लिखा बेटा मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ अपनी जिस भी भाषा में लिखा है, किसान खाद को अमोनियम क्लोराइड भी कहते हैं। चलो तो आप लोग पढ़िए बेटा इनको, आज तक जितना पढ़ने पढ़ लिया है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर बनने वाले अंतर वगैरह भी आप लोग लिख सकते हैं, मिश्रित उर्वरक में अंतर, जटिल उर्वरक में अंतर। ठीक, चलिए सभी लोग सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए बेटा, आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बेटा, ओके सुमित, हिमांशु, चलिए थैंक यू सो मच बेटा, कल नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है भाई, पीजी फार्मिंग, सुमित वर्मा, आर्यन, ठीक है भाई, आरेश यादव जी, स्टेटस किंग, थैंक यू भाई। चलिए ठीक है भाई, गणेश बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ नेक्स्ट क्लास लगेगी बेटा, सारी क्लासेस लगेगी, सबका आनंद लीजिए। चलो ठीक है बेटा, ओके थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।